हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए हैं। आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2017 का जो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था, इससे रिलेटेड दो वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो तो अभी रिसेंट ही डाला था, जिसमें जो हियरिंग थी आपकी 28th को, उसमें कोई एक जो पर्टिकुलर जज थे वो छुट्टी पे थे, इसलिए वो 28 वाली जो 28 फरवरी की जो हियरिंग थी वो 6 मार्च को हो गई। आज उस केस की हियरिंग हो गई है और हियरिंग में उस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इसको अपने आरबीआई को एम्पावर किया है कि वो जो भी अपना सिस्टम या पैटर्न अडॉप्ट कर रहे थे वो करें और रिक्रूटमेंट लोगों को दें। केस क्या था, अगर आपने इसका डिटेल में तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें जो लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एलपीटी टेस्ट, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो मराठी लैंग्वेज के बच्चे, जो महाराष्ट्र से कुछ बच्चे थे, जिन्होंने केस कर दिया था कि हमें गलत तरीके से फेल कर दिया गया, हम पास है, वो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दिए आरबीआई को कि भाई आप एक पैनल कंडक्ट करें जिसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर, उनका एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में वो प्रोफेसर सुन कॉपीज को चेक करें और फिर वो बताएं कि वो बच्चे पास हुए या बच्चे फेल हुए। तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि 28 फेब को हियरिंग थी, 27 फेब को आरबीआई ने पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, जिसमें वो कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी ने पूरा उनने जो वो एलपीटी लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो कॉपीज थी, 602 कॉपीज थी, जब उनको इवेल्युएट किया और इवेल्युएट करके पूरा सीरियल नंबर से उसमें जो कैंडिडेट के नेम वगैरह हटा लेते हैं ताकि किसी टाइप की पार्शियलिटी ना हो, और उसमें सीरियल नंबर से 1, 2, 3 जो भी कोई सीरियल नंबर लगाया और उसको कितने, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, पूरा डिटेल वो उन्होंने प्रोफेसर्स की कमेटी ने दिया और वो जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में आरबीआई ने सबमिट की। आरबीआई ने उसे आज हियरिंग जो थी उसमें आरबीआई ने उस पूरे को एग्री किया और सॉरी उसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने एग्री किया और आरबीआई को सोलो पावर दिया कि आप जिस भी तरीके से कर रहे हैं ये तरीका फेयर है और आप अपना आगे इनका सेलेक्शन और जो भी आगे का प्रोसीजर है अडॉप्ट। तो अपने लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जो बच्चे लटके हुए थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनके लिए गुड न्यूज है कि वो सेलेक्ट हो गए, और जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यू वैकेंसीज की, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन मतलब बहुत जल्द अपने उम्मीद करेंगे कि अब नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा मिलेगा। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि अब हालांकि 2 साल का पीरियड हो गया तो ऑब्वियस है वो क्लब होगी 2 साल की वैकेंसी, तो जितना 17 में 2017 में जो था उससे डबल के आसपास आप जरूर उम्मीद करें कि आएगा, बहुत अच्छी जॉब है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो बिना कोई टाइम गंवाए, बिना कोई डाउट क्रिएट किए कि आएगा या नहीं आएगा, श्योर शॉट है आएगा और आप उसकी तैयारी में छुटे और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उससे सिमिलर दूसरी एग्जाम्स हैं, बच्चों को इंतजार नहीं करना चाहिए उससे सिमिलर। अभी आप देखें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की LIC WO के नोटिफिकेशन आ चुका, SBI क्लर्क और SBI PO के लिए भी अभी आपने 1 वीक पहले ही उनके एक जो डिप्टी MD हैं उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में स्टेटमेंट दिया है कि SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा और SBI PO का भी आएगा, और कम से कम जितना पिछले साल था, मतलब 8+2 10,000, वो कम से कम आएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसमें उन्होंने दिया कि कम से कम 25% का इनहेंसमेंट, मतलब जो अगर इस साल 10,000 आएगा तो अगले साल 12,500 के आसपास वैकेंसीज SBI PO एंड क्लर्क की आएंगी। दूसरी जो वैकेंसीज है वो तो आप देख ही रहे हैं भी, जो IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, ये सब तो रेगुलर आ ही रही है। सो आप इसको भी उसमें क्लब कर लीजिए कि आरबीआई
असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये साल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन ईयर साबित होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर आप सबसे एक बार कहना चाहूंगा कि जो भी आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहे वो कोई आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन मत कीजिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए करें या आप एसबीआई क्लर्क के लिए करें या आईबीपीएस क्लर्क के लिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, या कोई आप इंश्योरेंस सेक्टर के क्लर्क लेवल के एग्जाम का कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं पीओ लेवल के एग्जाम्स के लिए या डब्ल्यू एओ लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो आप उसको पैरामीटर बना के, उसको आप टारगेट बना के देन आप प्रिपरेशन करें। और साथ ही क्लर्क लेवल की जो एग्जाम्स है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी उनमें जाने में रुचि है तो वो भी आप एग्जाम साथ दें। बहुत बड़ा डिफरेंस किसी भी एग्जाम में, इसमें साल में जो भी 12 15 20 तक एग्जाम्स ये हो जाती है और इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो सभी तरह के एग्जाम्स। और इस साल आई थिंक आपको खुद को फील होगा कि ये साल बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट वाइज गोल्डन ईयर साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।